हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास 16 की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों का आज का टॉपिक है पॉलिनेशन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं परागण। तो चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आपको एग्ज़ाम में पूछता है वायु के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, पूछता है आपको ये सभी चीज़ें एग्जाम में परागण से पूछी जाती है। तो चलिए आज हम लोग इसी चीज़ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि परागण किसे कहते हैं, परागण क्या होता है। तो याद करें, कल हम लोगों ने देखा था या पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था फ्लावर, या हमारा जो चैप्टर था वो था प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, और उसमें हम लोगों ने दो भागों की, पादप के दो महत्वपूर्ण भागों की चर्चा की थी, जिसमें एक था जायांग और दूसरा था पुमंग। एंड्रोशियम को हिंदी में कहते हैं पुमंग और गायनोशियम को हिंदी में कहते हैं जायांग। तो क्या थे ये, एक बार फिर से चर्चा कर लें। याद करें, हम लोगों ने इस तरह की एक रचना देखी थी, ठीक है, जिसमें हमारा ओवरी था, ओव्यूल था, स्टिग्मा था, स्टाइल था, ठीक है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण अंग थे हमारे पास, याद होगा आप लोगों को, मैंने आपको बताया था स्टिग्मा वर्तिकाग्र, फिर था स्टाइल वर्तिका, फिर था पॉलेन ट्यूब। ये जो नलिका है, पराग नलिका, इसे क्या कहते हैं, पॉलेन ट्यूब। ये क्या हुआ स्टाइल, ये हुआ क्या स्टिग्मा। और आगे चलें, ये क्या होगा, ये होगा ओवरी, अंडाशय, अंदर में जो ये है बीजांड या बीजाणु, ये क्या कहलाएंगे, ओव्यूल कहलाएंगे। तो इन चीजों में, तीन चीजों को मिलाकर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन्हीं तीनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया था, गायनोशियम। क्या नाम दिया गया था, गायनोशियम। और इसी के यदि एक यूनिट की बात होगी तो यूनिट कहलाएगा कार्पेल या पिस्टिल। क्या कहलाएगा, कार्पेल या पिस्टिल। वहीं यदि हम लोग पुमंग में आ जाएं, इस तरह की रचना हम लोगों ने देखी थी, इसे हम लोगों ने कहा था फिलामेंट, हिंदी में कहते हैं पुतंतु, ये कहलाएगा एंथर, हिंदी में कहेंगे परागकोष। हिंदी में क्या कहेंगे, परागकोष। अब देखिए, इसी एंथर पर इस तरह दानेदार रचना होती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कल। इस दानेदार रचना को कहते हैं पॉलेन ग्रेन्स। क्या कहते हैं, पॉलेन ग्रेन्स, हिंदी में कहेंगे पराग कण। और यही एंथर और फिलामेंट, यही दोनों मिलकर क्या बनता है, एंड्रोशियम। और इसी के यूनिट को हम लोगों ने क्या कहा था, स्टामेन, हिंदी में पुंकेसर, ये हिंदी में स्त्री केसर, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टामेन को हिंदी में क्या कहेंगे, पुंकेसर, और पिस्टिल या कार्पेल को हिंदी में क्या कहेंगे, स्त्री केसर, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं पॉलिनेशन, परागण। तो परागण में किसका आदान प्रदान होना है, पॉलेन ग्रेन्स का होना है। किसका होना है, पॉलेन ग्रेन्स का, पराग कण का। पॉलेन ग्रेन्स को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, पराग कण कहेंगे। इसी का आदान प्रदान होना परागण कहलाता है। अब कैसे, चलिए समझते हैं। मान लिया जाए ये एक कण, जी हाँ, ये एक कण किसी तरह से, चाहे हवा से हो, कीटों के द्वारा हो, मनुष्य के द्वारा पेड़ हिलाने से हो, वहाँ से उड़कर कहाँ पहुँच गया, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये पॉलन ग्रेन कहाँ से चला है, एंथर से चला है, और एंथर से चलकर कहाँ पहुँच गया, स्टिग्मा के पास पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, स्टिग्मा के पास पहुँच गया। अंदर ये चिपचिपा होता है, अंदर ये पॉलन ट्यूब चिपचिपी होती है, और जब ये परागकण अंदर प्रवेश कर जाता है तो अंदर प्रवेश कर आने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब देखिए,
यदि बात करें कि सर परागण की परिभाषा क्या होगी, तो कहेंगे ये चीज आपको याद रखना है, उसी जाति का पौधा होना चाहिए, उसी जाति के पौधे के पुष्प के जायांग में, जायांग में खास करके कहां स्टिग्मा, परागकण का प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है या परागण कहलाता। देखिए क्या कह रहे हैं, उसी जाति का, मान लिया यदि अड़हुल का ही फूल है तो अड़हुल का ही पुंकेसर अड़हुल के ही स्त्री के सर से मिलेगा, तो कैसे पराग कोष से उठकर उसके स्टिग्मा में जाएगा, एंथर से उठकर उसके स्टिग्मा पर जाएगा। याद रखना है कि उसी जाति का पौधा का पुष्प होना चाहिए, यदि उसी जाति के पौधे का पुष्प नहीं होगा तो परागण की क्रिया पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, यदि उसी जाति के पौधे पर का पुष्प नहीं होगा तो परागण की क्रिया बिल्कुल नहीं होगी, तो अनिवार्य है उसी जाति का पौधा होना चाहिए। ठीक है, तो कहां से कहां, एंथर से स्टिग्मा में, कहां से कहां, एंथर से स्टिग्मा में प्रवेश करेगा, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, परागण कहेंगे, क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। तो परागण में किसका आदान प्रदान होता है, तो परागकण का होता है, परागकण कहाँ रहता है, तो पराग कोष पर रहता है। परागकण का इंग्लिश क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स होगा, पराग कोष का इंग्लिश क्या होगा, एंथर होगा। कहाँ जाता है, स्टिग्मा पे जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है, यही क्रिया परागण कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह एंथर से पॉलन ग्रेन्स का उसी जाति के पौधे के पुष्प के स्टिग्मा में जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ये परागण दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, स्व परागण और पर परागण। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग किसकी बात करेंगे, पॉलिनेशन के टाइप्स की, प्रकार की। तो कितने टाइप्स के होंगे, दो टाइप्स के होंगे, एक होगा स्व परागण, इंग्लिश में कहेंगे इसे सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होगा पर परागण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन या परागण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, कौन कौन हो गए, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, या स्व परागण और पर परागण। चलिए बात करते हैं हम लोग क्या है स्व परागण। स्व परागण में क्या होता है, एक ही पुष्प के, या कहेंगे एक ही पुष्प के पराग कोष से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में प्रवेश करता है। यहां दो कंडीशन है, या तो एक ही पुष्प होना चाहिए या एक ही पौधे के दो अन्य पुष्प होने चाहिए। अब इस चीज को चलिए समझते हैं हम लोग। ये जो पुष्प होगा ये उभयलिंगी होगा, ये कैसा होगा, ये उभयलिंगी होगा।
जैसे इधर दिख रहा है ना, चलिए ठीक है दिख रहा है, चलिए मान लिया जाए ये हम लोगों का फ्लावर हो गया, ठीक है। अब देखिए परागण की जब भी बात होगी तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल चाहिए एसेंशियल ऑर्गेन, हमें एसेसरी ऑर्गेन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एसेसरी ऑर्गेन को चलिए लोग मिटा देते हैं। एसेसरी ऑर्गेन में क्या था, दल पुंज, बाह्य दल पुंज, ये सभी क्या थे, एसेसरी ऑर्गेन थे। और एसेंशियल ऑर्गेन में क्या था, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ये हुआ हमारा एंड्रोशियम, ये हुआ हमारा गाइनोशियम, और ये जो है ये एक ही फूल का है, एक ही फूल है जिसपे पुमंग भी है जायांग भी है। जब इसी का पुमंग इसी के वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाए, जी हाँ, जिस फूल पर एंड्रोशियम था उसी फूल के गाइनोशियम में प्रवेश कर जाए, तब ये क्रिया परागण तो होगी ही, क्योंकि परागकण यहाँ से उड़ के वर्तिकाग्र में जा रहा है तो परागण की क्रिया तो होगी, परागण कहलाएगी। लेकिन कैसा परागण हो जाएगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। जी हाँ, ये कैसा पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि उसी पुष्प का पुमंग है और उसी पुष्प का जायांग है, एक ही पुष्प के दोनों अंग हैं जिसमें आपस में परागण की क्रिया हो रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, स्व परागण कहेंगे। केस नंबर वन। अब सेकंड केस क्या कहता है, मान लिया जाए ऐसा हो एक फूल और है, उसी पेड़ पर दूसरा फूल है जिसमें क्या है, केवल पुमंग है या इसमें भी जायांग है, ठीक है। तो इसका जो परागकण था वो उड़कर इसके वर्तिकाग्र पर चला गया, जा ही सकता है, हवाएं चलेगी, एक पेड़ में कई फूल होते हैं तो इसमें परागकण जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो दूसरे फूल का परागकण पॉलन ग्रेन्स दूसरे फूल के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र में प्रवेश कर गया। लेकिन याद रखना है पौधा या पेड़ सेम होना चाहिए, ये सेम ट्री है, एक ही पेड़ है। मान लिया जाए आंगन में एक पेड़ है, उस पर 100-200 फूल खिले हुए हैं, किसी फूल का पॉलन ग्रेन उड़कर किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा में प्रवेश कर गया, दूसरे फूल के स्टिग्मा में प्रवेश कर गया, तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, इसी क्रिया को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और हिंदी में कहलाएगा स्व परागण। समझ में आ रहा है, क्लियर, ये क्या हो गया, ये स्व परागण हो गया। तो दो चीजें, एक ही पुष्प का पुमंग उसके जायांग पर चला गया, या एक ही पेड़ का एक फूल का पुमंग दूसरे फूल के जायांग पर चला गया। मतलब एक ही घर है, एक ही पेड़ है, एक ही आवास है सबका, तो ये स्थिति या ये जो परागण होगा उसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, स्व परागण कहेंगे। दोनों के हिसाब को याद रखते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप जैसे कुछ स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ही फूल पे पुमंग जायांग क्रिया कर लिया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। जहां दूसरा फूल आ गया तो कहते हैं कि अरे ये फूल तो अलग हो गया, यहां तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो याद रखना है कि एक ही पेड़ है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यही जब दूसरा पेड़ हो जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। जब एक ही पेड़ है, जब हम अपने घर में हैं तो सारे मेंबर तो अपने हुए ना, तो वही बातें यहां भी है। जब एक ही पेड़ पर के फूल हैं तो वहां स्व परागण होगा, वही जब दूसरा पेड़ हो जाएगा, जब दूसरा घर हो जाएगा तो वहां क्रॉस पॉलिनेशन या हिंदी में कहेंगे पर परागण होगा, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो याद रखना है पर परागण में क्या होगा, दो भिन्न भिन्न पेड़ होंगे, जब एक ही प्रजाति का पुष्प दूसरे पौधे के पुष्प के साथ परागण करता है,
तो उसे क्या कहते हैं, उसे पर परागण कहते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है, सेम पेड़ है, सेम फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन है, अदर ट्री हो गया, दूसरा पेड़ हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। और याद रखना है बहुत महत्वपूर्ण बात कि इसके लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, क्या होती है, सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो माध्यम में कौन कौन हेल्प करेगा, तो देखिए कीट हेल्प करेगा, वायु हेल्प करेगा, जल हेल्प करेगा, मनुष्य हेल्प करेगा इत्यादि। तो इस तरह जो परागण की क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी। एकदम बिल्कुल याद रखना है, जहाँ एक ही पेड़ के दो फूल हो या एक ही फूल के पुमंग और जायांग हो तो वो स्व पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जहाँ दो भिन्न पेड़ होंगे वो क्या हो जाएगा, वो पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग बात करेंगे परागण की विधियों की, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पॉलिनेशन चैप्टर में, कि परागण की कौन कौन सी विधियाँ हैं और परागण कैसे होती है, या उसके माध्यम जो हैं वो माध्यम क्या कहलाते हैं, उस तरह की परागण की विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग परागण की विधियों के बारे में, कहेंगे परागण की विधियां। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि परागण किसके द्वारा, वायु के द्वारा परागण। और काफी पूछा जाता है, इंग्लिश में एनिमोफिलस कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में एनिमोफिलस, क्या कहेंगे, एनिमोफिलस। ये परागण की क्रिया किसके द्वारा होगी, वायु के द्वारा। अब देखिए वायु के द्वारा क्या होगा, जब भी हवा चलेगी पेड़ पौधे तो हिलेंगे, और जब पेड़ पौधे हिलेंगे तो उनके पुष्प में भी कंपन होगा, फूल भी हिलेंगे, और उसके एंथर पर जो पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं, पराग कोष पर जो पराग कण लगे होते हैं वो भी झड़ेंगे, हवा के साथ वो भी उड़ेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। तो ये जो माध्यम हुआ एनिमोफिलस इस विधि को कहते हैं। ये किसके द्वारा हुआ, वायु के द्वारा हुआ। अब दूसरा है कीट के द्वारा परागण, इसे कहते हैं एंटोमोफिलस। अब देखिए कीट के द्वारा परागण कैसे होगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था पिछले क्लास में, जब हम लोग फ्लावर पार्ट्स पढ़ रहे थे, कि जो पुष्प के दलपुंज होते हैं वो दलपुंज क्या करते हैं, देखने में खूबसूरत होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। तो किस लिए आकर्षित करते हैं, वो आकर्षित करते हैं परागण की क्रिया में योगदान देने के लिए। तो योगदान कैसे देगा, मान लिया जाए परागण के लिए पराग कणों का पराग कोष से उठकर वर्तिकाग्र में जाना है, एंथर से उड़कर स्टिग्मा में जाना है, तो कीट आकर एंथर पे बैठा, जब एंथर पे बैठा तो उसके पाँव में क्या हुआ, उसके पाँव में पॉलन ग्रेन्स चिपक गया, पाउडर की तरह होता है, डस्ट की तरह होता है, रवेदार दानेदार होता है। वही कीट जाकर जैसे स्टिग्मा पर बैठा, पाँव से झड़ा और झड़ के स्टिग्मा में प्रवेश किया, तो जैसे स्टिग्मा में प्रवेश कर गया वहाँ पॉलिनेशन की क्रिया पूरी हो गई। और ये क्रिया को कौन कर रहा है, तो इस क्रिया को कीट कर रहा है, और इसी क्रिया को क्या कहेंगे, इंटोमोलॉजी में। बिल्कुल याद रखना है, इंटोमोफिलस, कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी है, कीटों के द्वारा परागण को क्या कहेंगे, इंटोमोफिलस। अब तीसरा बात करते हैं जल के द्वारा परागण। तो जल के द्वारा होने वाले परागण को हाइड्रोफिलस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस कहते हैं। देखिए बहुत सारे पौधे जलीय होते हैं, तो जल क्या करता है, एक पौधे को बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, या वो पॉलन ग्रेन्स को भी बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है।
तो इस तरह जो क्रिया होती है या यह परागण की विधि क्या कहलाती है, जल परागण, जैसे हाइड्रोफिलस कहते हैं। अब आइए चौथा है, जंतुओं के द्वारा परागण, और इसे कहते हैं जूफिलस। क्या कहते हैं? जूफिलस। जैसे देखते होंगे जानवर क्या कहते हैं, अपने मुंह में पत्तों को, फूल को, पेड़ को दबाकर एक जगह से दूसरी जगह लेते जाते हैं, तो जंतु भी तो योगदान कर रहे हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? जूफिलस। अगला है पक्षी के द्वारा परागण, इसे कहेंगे ऑर्निथोफिलस। क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिलस। जैसे पक्षियां क्या कर रही है, फूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दे रही है, तो साथ में पॉलन ग्रेन्स भी जा रहा है, परागकण भी जा रहा है, इसी कारण उसे क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिलस। अब है इंपॉर्टेंट, थोड़ा ज्यादा है आपके लिए ये, घोंघे के द्वारा परागण। घोंघा भी क्या एक जीव है, उसकी सहायता से भी परागण होता है, तो घोंघे के द्वारा जो परागण होगा उसे कहेंगे मेलाकोफिलस। और आपको जो सबसे ज्यादा एग्जाम में अभी तक पूछा है वो पूछा है चमगादड़ के द्वारा परागण। किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा। तो इसे कहते हैं क्रिप्टोफिलस। जी हाँ, क्या कहते हैं? क्रिप्टोफिलस। किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा। तो ये सात परागण की विधियां हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं, और ये सभी जो जनन की क्रिया है, तो एक तरह से जनन की क्रिया है, ये जितनी जनन की क्रिया है ये पादपों में लैंगिक जनन को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? लैंगिक जनन को, क्योंकि इसमें हमेशा दो लिंग की आवश्यकता हो रही है, एक पुमंग की आवश्यकता हो रही है और दूसरी जायांग की आवश्यकता हो रही है। तो एक नर हुआ, एक मादा हुआ, दो लिंग की आवश्यकता हुई, इसमें भी जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो हम लोग देखेंगे अब जायगोट ठीक, क्योंकि परागण के बाद निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है। अब देखिए परागण के बाद निषेचन कैसे होता होगा, पराग कण जो जा रहा था वो कहाँ पहुँच रहा है? अंडाणु के पास पहुँच रहा है। जब अंडाणु के पास पहुँचेगा तो वहाँ निषेचन की क्रिया प्रारंभ होगी ना। तो याद रखना है परागण के बाद क्या होता है? निषेचन होता है, ठीक है। अब जैसे पुष्प में चक्र होते हैं, जी हाँ, पुष्प में क्या होते हैं? चक्र होते हैं। ये चार चक्र होते हैं। पहला होगा बाह्य दलपुंज, इससे प्रथम चक्र कहा जाता है, दलपुंज द्वितीय चक्र कहते हैं, पुमंग तृतीय चक्र कहते हैं, और जायांग को चतुर्थ चक्र कहते हैं। जब ये सभी अपना काम कंप्लीट करते हैं तब परागण की क्रिया होती है, और परागण के बाद निषेचन की क्रिया होती है। चलिए इतना सा हम एक बार आपको फिर से दोहरा दें, इसको याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा कई बार पूछ चुका है आपको। अब जैसे देखिए पहला किसके द्वारा है? वायु के द्वारा। याद रखना है ए फॉर एयर होता है तो एनिमोफिलस, ए से क्या होता है? एयर होता है, तो ये क्या हो गया? एनिमोफिलस। दूसरा है कीट के द्वारा, बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी, ऐसे भी इंसेक्ट कहते हैं कीट को। कीट को क्या कहते हैं? इंसेक्ट कहते हैं, भले स्पेलिंग आई से होता हो वो अलग बात है, लेकिन हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कीट के लिए क्या यूज करते हैं? इंसेक्ट। तो कीट का परागण क्या हुआ? इंटोमोफिलस। कीट का क्या हो गया? इंटोमोफिलस। फिर है जल, जल के लिए हमेशा जो टर्म यूज होता है हाइड्रो, तो हाइड्रोफिलस। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी, तो जंतुओं के द्वारा परागण जूफिलस। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों के द्वारा परागण ऑर्निथोफिलस। घोंघे के द्वारा मलाकोफिलस, चमगादड़ के द्वारा क्रिप्टोफिलस, और इसका अध्ययन भी क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। तो ये जो सात परागण की विधियां हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, कभी भी भूलने की गलती ना करें, वरना एग्जाम में आपको कम मार्क्स आ सकते हैं, आपके मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे निषेचन की ओर, फर्टिलाइजेशन की ओर।
तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निषेचन। तो एकदम बिल्कुल कसम खा ले, याद रहना चाहिए कि निषेचन की क्रिया परागण के बाद प्रारंभ होती है। परागण के बाद प्रारंभ होती है। तो क्या? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब निषेचन में देखिए क्या होता है। हम लोगों ने देखा था एंड्रोशियम में पुमंग से क्या निकलता है, नर पुमंग क्या होता है, नर भाग होता है। तो वहां से निकलते हैं नर युग्मक। क्या निकलते हैं? नर युग्मक। कहाँ से? पुमंग का हिस्सा हो गया। और ये जाकर मिलेगा किससे मिलेगा? तो अंड कोशिका से। किससे मिलेगा? अंड कोशिका से। और ये कहाँ पाया जाएगा? जायांग में, ओवरी में पाया जाएगा। जब नर युग्मक अंड कोशिका से जाकर मिलते हैं तब ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। जी हाँ, क्या करते हैं? युग्मनज, इंग्लिश में कहते हैं जायगॉट का निर्माण करते हैं। और यही जो क्रिया होती है, जायगोट निर्माण की क्रिया, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं निषेचन। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यही क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। जी हाँ, यही क्रिया क्या कहलाएगी? बिल्कुल याद रखना है, यही क्रिया निषेचन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। एक आपको फैक्ट याद रखना है कि आवृतबीजी पौधों में, जी हाँ, किसमें? आवृतबीजी पौधों में निषेचन 3 स्तर का होता है। कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का। किसमें? आवृतबीजी पौधों में, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं या ट्राइफ्यूजन कहते हैं। कहीं कहीं ट्रिपल फ्यूजन भी देखने को मिलेगा, तो आप इतना भी याद रख सकते हैं। चलिए ट्रिपल भी लिख देते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया क्या हुई? नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना, या नर का मादा से मिलना, मिलकर एक युग्मक तैयार करना, एक जायगोट बनाना, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। और आवृतबीजियों में निषेचन कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे त्रिसंलयन कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। अब क्या होता है कि निषेचन की क्रिया के बाद उस पौधे में परिवर्तन आते हैं। जैसे हमारे पास पौधों में क्या था? बाह्य दलपुंज, दलपुंज। जब निषेचन हो जाता है तो ये दोनों हिस्सा क्या होता है? ये दोनों मुरझा कर गिर जाता है। ये भी क्या होता है? मुरझा कर गिर जाता है। कौन? बाह्य दलपुंज के बाद दलपुंज। इसके बाद आता है पुंकेसर, स्टामेन। ये भी क्या होता है? मुरझा कर गिर जाता है। कौन? पुंकेसर। इसके बाद आएगा स्टिग्मा, वर्तिकाग्र जिसे हम कहेंगे। वर्तिकाग्र क्या होता है? मुरझा जाता है। जी हाँ, वर्तिकाग्र क्या होता है? मुरझा जाता है। और उसके बाद दो चीज़ें याद रखनी है आपको। अंड कोशिका से ही क्या बनता है? भ्रूण बनता है, जिसे इंग्लिश में एम्ब्रायो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रायो। और अंड कोशिका के बाद है बीजांड, और इसी बीजांड से बनता है बीज। बीजांड से क्या बनता है? बीज। तो निषेचन के बाद ये सभी परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन? बाह्य दलपुंज मुरझा कर गिर जाएगा, दलपुंज मुरझा कर गिर जाएगा, पुंकेसर मुरझा कर गिर जाएगा, स्टिग्मा क्या होगा? मुरझा जाएगा। अंड कोशिका ही किससे बदल जाएगी? भ्रूण में, जिसे इंग्लिश में एम्ब्रायो कहते हैं। और यही बीजाणु किससे बदल जाएगा? बीज में। तो ये था आपका निषेचन, और इसी के बाद अब आता है हमारा फल। तो अगले क्लास में हम लोग फल को पढ़ेंगे, फ्रूट देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।